गुड इवनिंग दोस्तों। मैंने कहा जैसे कमिटमेंट किया था कि वो एमडी डॉक्टर का पूरा ऑडियो आप लोगों को सुनाऊंगा, और वो टाइम आ गया है। अभी मैं वो ऑडियो सुना देता हूँ आप लोगों को। यार और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों लोग, क्या यार आप लोगों को लगता है कि मैं लालची आदमी हूँ या मैं पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा हूँ? भाई मैंने जिस ऑडियो का बात जिक्र किया था या अभी उसको एक्सप्लोज कर रहा हूँ, उसी बंदे ने मुझे कल रात को 11:38 पे कॉल करके यही बोला कि भाई मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगा, आप पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हो। मुझे कोई पब्लिसिटी से मतलब नहीं, ना मैंने कोई भी वीडियो में कंपनी को बदनाम करने के लिए बोला, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था। मैंने आपने ऑफलाइन को पूछा, वहाँ पे मुझे जवाब सही थे नहीं मिला, तो मैंने कंपनी का कोई बड़े लीडर से पूछा तो वहाँ से भी मुझे जवाब सही आंसर सही नहीं मिला, तो मैंने कंपनी के बंदे से भी पूछा तो वहाँ पे मुझे आंसर नहीं मिला, तो मैंने कंपनी को सवाल पूछा था ताकि जो IN टेक्सटाइल से वो जो नंबर है वो साहब आके मेरे को बोले कि भाई मैं आपका जो भी करने वाला हूँ वगैरह वगैरह, मैं अभी वो ऑडियो सुना देता हूँ। और मुझे मुझे उनसे कोई मतलब पर्सनली दुश्मनी नहीं है, जो आपने कमिटमेंट पे वो हमें देने के लिए बोले थे वो नहीं दिए या उनके कमिटमेंट में फेलियर हो गए, तो मैं उनको वही सवाल पूछा था। बाकी मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई पब्लिसिटी से मतलब मैं अपने चैनल को बढ़ा के कुछ कमा लूँगा या अमीर बन जाऊँगा, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। भाई मेरे चैनल को आप लोग देखोगे तो मेरे को सिर्फ 300 के करीब मेरा सब्सक्राइबर है, उससे कोई मतलब नहीं। भाई आप लोग कंपनी वालों, अगर जवाब आपके पास नहीं है तो नहीं है, आप लोग दे दो या ना दो मुझे क्या, मैं क्यों बोलूँ भाई? और दोस्त लोग आप लोग, तो आप लोगों को तो कुछ पड़ता नहीं है ना, मैं क्यों इन लोगों के साथ पंगा लूँ यार? मैं रात को 11-12 बजे मुझे कोई कॉल करके डिस्टर्ब करेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं इस ऑडियो को वो ख़त्म करता हूँ आज ही, उसके बाद मुझे आडो कंपनी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। और याद रहे, मेरे को अगर कंपनी की तरफ से या कहीं से भी कोई कॉल आया, मैं सीधा उसकी नंबर पे FIR करूँगा। हाँ मेरे को आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, आप लोग कमिटमेंट में फेल हो गए, बस सारा दुनिया को पता चल गया, बस थैंक्स और कुछ नहीं। अभी मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ और भी दिखा देता हूँ कि वो लोग मेरे को कल रात को 11:38 पे कॉल किए थे। ये देख लीजिए आप लोग, ये नंबर 9759505151, देखिए 26/1/2018, 23/38, मतलब 11:38 पर। वो छोड़िए उसको, अभी मैं जो पहले वाला है जो ट्रेलर वाला, मैं उसको आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। 5-1, हाँ ये आ गया, अभी प्ले करके सुनाता हूँ। हाँ बोल रहा हूँ सर, कौन आप? हाँ मैं MD बात कर रहा हूँ, एडो पॉइंट। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद गुलरेज। हाँ सर बोलिए सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल बढ़िया, मजे में हूँ सर, बढ़िया। बोलिए सर। हाँ अच्छा बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने कितने रुपए में हमारे यहाँ पर ID लगाई थी, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, फिर आपने मैं तो सिर्फ 5,000 का ID लगाया हूँ। ओके और अभी रिटर्न क्या मिला है आपको? मेरे को 2,000 कॉइन मिला है। अभी आपका विड्रॉल लिए आपने एक बार भी? नहीं लिए। नहीं लिया मैंने विड्रॉल। नहीं लिए अभी आपने? नहीं। जो 2,000 कॉइन आपको मिले हैं वो ROI के लिए मिले होंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल सर बिल्कुल, है ना जी सर। तो क्या उसमें से कुछ कम वम हो गया क्या आपका पॉइंट? मेरा तो उसमें से कम नहीं हुआ सर, लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया था तभी मैंने, कंपनी ने मुझे वहाँ पे प्लान में भी दिया है कि आपने जितने कॉइन लिए है 13 वीक्स तक आपको उतना कॉइन, मतलब 16% मंथ और 4% वीकली मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को 10,400 कॉइन वो शो कर रहा था मिलना चाहिए था, तो वो अभी 4,100 कर दिया गया है। जब मैंने सर मेरे ऑफलाइन को पूछा तो मेरे ऑफलाइन ने मुझे मैसेज में भेजा कि भाई ये तो मुझे भी पता नहीं है, तो आपने कंपनी से बात करना। ऑफलाइन की मुझे कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि उसको तमीज नहीं है बात करने की। मैं आपको अगर अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे तो मैं आपको उसका
मतलब कैसे वो टॉकिंग है वो रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ, आपको भेज दूंगा। तो बाकी मैंने कंपनी की भी एक दो बंदे से बात करने की कोशिश की, ठीक है सर। तो उन्होंने तो वो लोग नंबर आपके पास, मेरे पास एक अनिल करके बंदा है और सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी का मेरे से बात नहीं हो पाया, और मैंने सुरेश कुमार जी से भी बात किया हुआ था, उन्होंने डायरेक्ट मेरे को मेरे से बात सुनने की भी कोशिश नहीं की, उन्होंने बोला कि डायरेक्ट आपने कम तो अपलाइन से बात करो। अच्छा, आपने 5,000 जो कहेंगे तो 50 रुपए की एड करी है ना? एक रुपया मिल जाता, एक रुपया मिल जाता जी, बिल्कुल ठीक। अब एक बात बताओ, 5,000 में 1 रुपए से आपने कॉइन लिया तो कितना कॉइन मिलना चाहिए आपको? 5,000 कॉइन मिलना चाहिए। मिला कितना मिला वो मतलब नहीं सर, आपने वो जो डिपॉजिट किया नहीं, नहीं, बताओ तो मेरे को, बताओ तो मेरे को 2,000 मिला है। 2,000 तो मिला आपको, आरओआई मिला, वो कितने परसेंट का आया मालूम आपको? 10,800% का आपको आया जी जी, वो आपको 10,400% का आपको आया है ना जी जी जी। 10,000 की जो परसेंटेज का आपको आया, आपको जो वैसे आना चाहिए वो तो 5,000 पे 4% आना चाहिए ना सर। आपने अपना प्लान नहीं, 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 प्लान ठीक है, प्लान ठीक है, प्लान तो ठीक है, प्लान की छोड़िए, आप ईमानदारी को आइए ना। हाँ मैं ईमानदारी पे ही बोल रहा हूँ, मेरे को जितना अगर 1 रुपए में लिया तो कंपनी आपको 5,000 कॉइन देती है, समझ रहे हैं? 5,000 कॉइन का मुझे 16% मिलता रहेगा इवन टू 52 वीक्स। 5,000 रुपए मिलेगा ना, 5,000 कॉइन का, लेकिन हम आपको देते हैं 10,000 का, हम जस्ट डबल का देते हैं। वो सर देखिए मैं वो नहीं जानता हूँ, आपने देखिए आपने साइड में जो लिखा है, अपने साइड में जो हमने आपने कमिटमेंट किया है तो आप उसको लिखिए ना। मैं मेरा पॉइंट समझने की कोशिश की, चलो मैं अपने कमिटमेंट पे आता हूँ, मैं अपने कमिटमेंट पे आता हूँ जी सर। आपने अपने डाउन में कितना काम किया, कितने लोग अपने साथ में लगाए? मैंने सर कुछ नहीं लगाया, मैं अभी लगाता ना वो मेरे गले पड़ जाते अभी ये जो काम हुआ है, ठीक है सर। चलो आपको नुकसान हुआ, आपको कुछ नुकसान हुआ? मेरे को सर नुकसान से कोई मतलब नहीं है, मेरे को जो कंपनी की बंदों से जो बात जो करने की उनको तमीज नहीं है, जो लोग डायरेक्ट बोलते कि भाई हम लोग भागने वाले हैं, जो भी मिलता है ले लो, क्या मतलब है इसका सर? आप बोलिए मेरे को, आप एमडी हो सर, एक बात बोलिए। आप भी तो वैसे ही बन गए हो, देखिए सर एक मिनट सर, आप अगर मेरा जो 5,000 का डिपॉजिट हुआ है उसमें से मैंने कुछ भी विड्रॉल नहीं लिया अभी तक, वो मेरा डूब जाएगा तो डूब जाएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है सर। मेरे को आप मुझे छोटी सी बात बताइए मिस्टर रजत सर, अगर आप 2,000 का विड्रॉल लेते हैं, 2,000 कॉइन का जी, ठीक हेलो हाँ सर बोलिए, वो कितना आपको मिलेगा 2,000 कॉइन का? मुझे जितना मिलेगा वो तो आपका 20% कटने के बाद जितना मिलेगा कैलकुलेशन करके वो बताओ ना मेरे को, बताओ तो। हाँ तो 7,000-7,500 के करीब मिलेगा, ठीक है। और ये तो आपको मिल जाएगा, और अगर ये रेट आपने अभी होल्ड किया हुआ है, अब ये रेट अगर बढ़ता है बढ़ के 100 रुपए चला जाता है, आप तो कितना मिलेगा? सुनिए सर, आप मुझे जिस तरह से समझा रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट में तो आइए ना। आपने जब 10,400 देने के लिए बात की थी, अगर मैं सुनिए मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुनिए ना। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए, मेरी बात सुनिए मेरे दोस्त। हाँ अगर मैं अपने कमिटमेंट पर आता हूँ, ठीक ठीक है सर, 1 रुपए में आपकी आईडी लगी थी, सपोज करिए 1 भी रुपया 1 भी% आपका रेट नहीं बढ़ता है, क्या फायदा यार? एक छोटे से दिमाग से सोचो ना। मैं सोचता हूँ सर, मैं आप देखिए आपने मुझे बोल दिया, मैं आपकी बात से खुश हो गया, मैं बंद हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अभी मैं वो जो वीडियो बनाया हूँ, मेरे कहने का मतलब है सर, आपकी जो सिस्टम है, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं कंपनी में, अरे उन लोगों को तो बोलिए कि बात सारा समझा के बोले कि फोन काट देंगे और बोले कि हम लोग भाग रहे हैं, है? तो जो मिलता है वो ले लो सर। मैं देखिए मैं किसी को अभी एक्सप्लोज नहीं करना चाहता हूँ ना, कि देखिए मैं आप मुझे बोले, आपकी बातों से मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है, कंपनी का सिस्टम, कंपनी का मतलब स्ट्रॉन्ग अभी बैकग्राउंड, मतलब पेमेंट की प्रॉब्लम होगा या कुछ भी होगा उसके बारे में हम अभी मैं होल्ड किया हूँ। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज में आपका कॉइन आ जाता है तभी मैं 5 क्या 7 क्या मैं 100 रुपए की सोच रहा हूँ सर, 200 की सोच रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन देखो सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरे मेरे इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आपसे आपको फोन कर रहा हूँ तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं हमारे बारे में फोन किया, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए फोन किया कि रजत मुझे एक बात सिर्फ बता दो, अगर आपने एक रुपए में कॉइन खरीदा है और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को कम नहीं करते हैं ठीक, तो जैसे दूसरी कंपनियों का हाल हुआ, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे रॉयल्टी बंद कर दीजिए ना आप, देखिए रॉयल्टी बंद कर देखिए सर, आपके साथ जो 50 पैसा में जुड़ा है या 1 रुपया में जुड़ा है वो आपका कंपनी का पहला आदमी है सर, मेरे बात सुनिए, अगर मैं मानता कि वो पहला आदमी है, मैं मानता अगर आपने अपने साथ में बहुत सारे लोग लगाए हुए होते, नहीं मैंने अगर 100 बंदा 200 बंदा जोड़ भी दिया होता तो अभी मेरा हालत क्या होता होगा वो मालूम है सर, अगर आप 100 बंदा 200 बंदा जोड़ दिए होते ना तो आपके पास मालूम है कितना पैसा होता, हाँ वही तो देखिए खुद अकेले के इतना पैसा होता कि उन सब लोगों का पैसा आप अपने से चुका सकते थे, समझे मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं जिस बंदों को जोड़ूंगा ना वो सब मेरे ही आदमी होंगे, अपने ही आदमी होंगे, मैं अगर यहाँ से ओडिशा से बोलूंगा कोई गुजरात से मेरे बात पे ज्वाइन नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा सर, मेरे अपने आदमियों को पैसा लाके उनको बोलूंगा कि भाई आपको इतना कॉइन मिलने वाला है जब ये बंद हो जाएगा सिस्टम, अगर आप बीच में ऐसे कर देंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं, सुनो हमने कोई भी तानाशाही नहीं की है, हमने ऑप्शनल रखा हर एक चीज को, अगर आपको 4% ही ROI चाहिए आपके पास 2000 कॉइन है, हाँ है नहीं मैं उसको आप अपनी उस कॉइन से न्यू आईडी टॉप अप कर सकते हैं ठीक है, 625 रुपए में सुनिए ना, हाँ हाँ सर 625 रुपए में टॉप अप हो जाएगी, 1250 रुपए में भी आएगी टॉप अप हो जाएगी, उस पे आपको 4% ही आना है, आपको पेमेंट तो कहीं से नहीं लाना पड़ा ना, तो ठीक है ना, आपने कहाँ पे जब आपने रेट चेंज कराए तो वहाँ पे किसको नोटिफिकेशन दिया गया था, मेरे को तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सर, मेरा 10 आपको मालूम है हमारे साथ 60,000 लोग जुड़ चुके हैं सर, मैं भी सर मैं भी आप 60,000 के बंदों के साथ ही हूँ ना, अलग हूँ, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बंदों को एक साथ नोटिफिकेशन नहीं जा पाता यार, तो सर मैं जब फोन किया है तो उस बंदे ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि भाई हम लोग कुछ ना मिलेगा, हम लोग दूसरे कंपनी की तरफ भागने से बेहतर है अभी हम ROI कम कर दे तो आगे भागे, नाम बोला सर, नाम क्यों बोलो अगर मैंने देखिए मेरा अगर वो जो इशू है वो क्लोज नहीं हुआ तो मैं एक एक करके उसको निकालूंगा ना, अभी क्यों आपको बोल दूं सर, मैं सबका एक एक करके, क्या प्रॉब्लम है अभी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम है जबकि ये बताओ, मेरा प्रॉब्लम ये है मेरा जो 10,400 का ROI आने वाला था वो नहीं आएगा वो 1% ही रहेगा, तो नहीं आएगा तो फिर 24 घंटा होने के बाद मैं दूसरा ऑडियो एक्सप्लोज करूंगा, आप वेट कीजिए सर, ठीक है तुम ऑडियो एक्सप्लोज करो, हम तुम्हारी जो है ID ब्लॉक करते हैं ठीक है, ओके सर थैंक यू, यही तो इसको पहले मैं एक्सप्लोज करूंगा ना, यही बात तो पहले थैंक यू मुझे नहीं लगता कि आप लोग काम करने वाले लोग हो, आप लालची लोग हो, ठीक है सर थैंक यू लालच के लिए काम, लालच के लिए हम लोग काम नहीं करते, आपको कोई मतलब नहीं, आपको कोई मतलब नहीं इतने सारे लोगों को फायदा हो जाए, इतने सारे लोगों के रेट बढ़े, सर आपने तो बहुत मतलब बात बोल दी सर, आपने मेरे दिल की बात बोल दी और मैं इसको अभी 24 घंटे होने के बाद मैं इसको भी एक्सपोज करूंगा, ओके सर थैंक यू। ये था MD सर का रिप्लाई, अभी आप लोग क्या करने वाले हो आप लोग करो भाई, मैं इसके बाद Addo कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, या Addo कंपनी से मेरे को कोई भी कॉल आया या कोई भी धमकी दी तो मैं FIR करूँगा, बस थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोल दो, थैंक यू।